Hi guys, so yesterday we have completed self-pollination, pollination definition, and the first kind of pollination is the self-pollination. So in the self-pollination, we have discussed that it's a process of transfer of pollen grains from anther staminus to stigma of the carpel. So there are two kinds of pollination. First is the self-pollination, second is the cross-pollination. Self-pollination में हमने देखा कि इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर फॉर्मर ऑन द सेम प्लांट. तो इसको हमने दूसरा कहा ऑटोगैमी भी कहते हैं. इसके दो टाइप्स होते हैं. क्लेस्ट्रोगैमी, वो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो कभी नहीं खुलते हैं टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे आपने ऑक्सैल्स में देखा होगा. दूसरा है जिटेनोगैमी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रीन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, बट दैट फ्लावर इज ऑल्सो फॉर्मड ऑन द सेम प्लांट. तो ये हमने इसमें देख लिया था. इसके बाद थोड़ी सी एडवांटेजेस देखेंगे. एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन कुछ डिफरेंट एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस है. अगर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन. चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर एक ही फ्लावर में पोलन भी बनता है, उसी फ्लावर में ओवरी भी है, तो उनको ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा कुछ किसी स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगी टू एंश्योर द पॉलिनेशन. तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में ज़्यादा होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर. तो इस सेल्फ पॉलिनेशन में द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर. पोलन ग्रीन और एग के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. दूसरा, सेल्फ पॉलिनेशन में प्योरिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फ्लावर के दोनों चीज़ें आती हैं. ये एक ही प्लांट के पोलन भी उसी का होता है, एग भी उसी का होता है. तो इसमें प्योरिटी ऑफ जीन्स रहता है, प्योरिटी ऑफ स्पीशीज रहता है. इसमें मिक्सिंग नहीं होगी. अगर किसी दूसरे प्लांट में प्लांट से पोलन आएगा तो उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसेस होते हैं. उसके नंबर ऑफ जीन्स तो सेम होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस दौरान कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. तो अगर एक दूसरे का मिक्सिंग हो जाएगा उससे थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ये चीज़ें नहीं होती है. एक ही चीज़ में दोनों होते हैं, इसीलिए उसमें प्योरिटी रहती है. तो सेल्फ पॉलिनेशन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ द रेस. दूसरा, मेंटेन प्योरिटी एंड अवॉइड मिक्सिंग. तो मिक्सिंग का इसमें कोई चांस नहीं होता, सिर्फ प्योरिटी मेंटेन रहती है. तीसरा, अगर सपोज एक फ्लावर है, उसी में स्टेमिनस भी है, उसी में गाइनोशियम भी है, तो यहाँ से पोलन उठेगा, यहाँ इस पर गिरेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. तो इस प्लांट को जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसको ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. अगर कम पोलन ग्रेन्स भी बन जाएंगे तो उसमें भी पॉलिनेशन एंश्योर हम कर सकते हैं. लेकिन अगर एक पोलन ग्रेन को एक जगह से उठ के किलोमीटर्स तक जाना है तो इसमें पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं. इसलिए जितनी ज़्यादा पोलन ग्रेन्स होगी उतने पॉलिनेशन एंश्योर हम कर सकते हैं. लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं है. अगर कम पोलन ग्रेन भी होगी उसमें भी पॉलिनेशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा पोलन ग्रेन को. सो जो सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स है, दे नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. प्लांट्स नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों आसपास ही होते हैं. तीसरा, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन का देखेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एक फ्लावर यहाँ पर है, दूसरा फ्लावर इस एरिया में है,
यहाँ से पोलन ग्रेन को उठना है, इस पे बैठना है। सबसे पहले इसमें एजेंसीज लगेंगी, तभी वो यहाँ से जाएगा। दूसरा, कोई एजेंट एक फ्लावर पे आएगा, वो क्यों आएगा वहां पर? कुछ ना कुछ तो वहां से लेके जाएगा, कुछ ना कुछ चीज होगा वहां पर। इसीलिए जो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उसमें वो फ्रेग्रेंट होते हैं, उसमें शोई पेटल्स होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, तो उसमें एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्लांट को वैसा फ्लावर बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही में, जैसे हमने देखा क्लेस्ट्रोकेमी में, वो कभी ओपन ही नहीं होता है। तो उसको ना तो वो लार्ज एंड शोई पेटल्स बनाता है, ना प्रेजेंस ऑफ सेंट नेक्टर होता है उसमें टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स को ये चीजें पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। जब उसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है तो ये चीजें उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है नीड नॉट to produce large and showy petals, ये भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, scent fragrance की भी कोई जरूरत नहीं है, और नेक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटर है, इसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस है सेल्फ पॉलिनेशन के। अगर हम उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखेंगे, इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है। दूसरा तो सब ये डिसएडवांटेज में हम देखेंगे कि सबसे पहले है, जैसे ही जब प्रोजीनी कंटिन्यूअसली, इसमें जो प्रोजीनी बनती है वो कंटिन्यूअसली वीकर हो जाती है आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि इसमें जो बाहर से आएंगे दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन सेट वो तो नहीं आते हैं। तो इसमें जो प्रोजीनी होती है उसमें मेल साफ, सपोज अगर कहीं और से जीन आएगा वो उसके साथ मिल जाएगी, मे बी वो उसको अच्छा कैरेक्टर देगा, उससे इसमें वेरिएशन आएगी। ना तो इसमें वेरिएशन का कोई स्कोप है, और ना ही इसमें जो कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेट कर करके उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, उससे जो रेस हो जाती है वो वीकर हो जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसमें नो वेरिएशन, या इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें जो वेरिएशन के चांसेस, लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड न्यू स्पीशीज, ना तो न्यू स्पीशीज इसमें वेरिएशन होगी, ना न्यू स्पीशीज बनने का कोई चांस ही नहीं है उसमें, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। वो हम आगे भी देख लेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, स्टिक हो जाती है जीन्स, तो कोई वेरिएशन का कोई चांस नहीं रह जाता है, उससे स्पीशीज बहुत वीक हो जाती है। तो उसमें डिफरेंट चीज़ों के लड़ने के खिलाफ बहुत कम रेजिस्टेंस डेवलप होती है, मे बी अगर कहीं और से है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस से मिल सकती है। तो ये डिसएडवांटेज में हमने देखा। उसके बाद है दूसरा टाइप पॉलिनेशन का, जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, एज द नेम इंडिकेट्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्या मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन का? यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा, वहां पर भी ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एंथर ऑफ स्टेमिन ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर फॉर्मड ऑन द अनदर प्लांट, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर of stamens of one plant to stigma of carpels of another plant formed on another flower. Transfer of pollen grains from anther of stamens of one फ्लावर, वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर फॉर्मड ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मड ऑन अनदर प्लांट। ये है इसमें, ये फंडा है इसमें। अगर हम लिखेंगे सेमी प्लांट में तो वो जीटोनोगैमी हो जाएगा। तो इसको आप दूसरा नाम देते हैं जीनोगैमी। जीनो, जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज मैरिज, डिफरेंट। तो इसके डिफरेंट सब टाइप्स है, जैसे कि क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सबसे पहले इसमें हर्कोगैमी,
हरकोगैमिक का मतलब क्या है? When there is any mechanical barrier on their stigmatic surface. Suppose ये स्टिग्मा है, इस पे अगर पोलन के लिए बैठ गए, लेकिन इस पे कोई ना कोई बैरियर लगा रहता है, वो इसको पॉलिनेट नहीं होने देता है, ठीक है? तो इसकी वजह से फ्लावर्स जो होते हैं, इसमें सब मैकेनिकल बैरियर्स ऑन द स्टिग्मेटिक सर्फेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. तो सबसे पहले इसमें बैरियर होता है, बैरियर ऑन स्टिग्मेटिक सर्फेस, स्टिग्मेटिक सर्फेस, तो क्रॉस पॉलिनेशन को करनी ही पड़ती है. दूसरा होता है डाइकोगैमी, दूसरा डाइकोगैमी. डाइकोगैमी का मतलब है जब पोलन से स्टिग्मा एक फ्लावर के मैचवर हो जाते हैं डिफरेंट टाइम. सपोज एक बाइसेक्चुअल फ्लावर है, उसमें पोलन भी बनता है और एग भी बनता है, लेकिन उनका जो मैचुरेशन टाइम है वो डिफरेंट है. सपोज एक आज मैच्योर हो जाता है, लेकिन वो मैच्योर होने के बाद वो गिरेगा, तब तक गायनोश मैचवर नहीं होता है, इसीलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं. तो इसमें हम लिखेंगे pollen grains and stigma of flower matchwar at different times. तो वो different times पे matchwar हो जाता है, पोलन के लिए मैच्योर हो जाता है, लेकिन स्टिग्मा भी बना ही नहीं होता है. तो उसका क्या फायदा है? इसीलिए जब वो स्टिग्मा मैच्योर हो जाए, तब उसको कहीं और से पोलन के लिए लेने की जरूरत है, तभी वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है. इसके आप दो लिख सकते हैं, प्रोटो एंड्री और प्रोटो गाइनी एज अ नेम इंडिकेट्स. प्रोट एंड्री मीन्स पोलन ग्रेन फर्स्ट, सबसे पहले मैच्योर हो जाएंगे पोलन ग्रेन, लेकिन स्टिग्मा भी मैच्योर नहीं होता. प्रोटोगाइनी का मतलब है स्टिग्मा सबसे पहले मैच्योर हो जाए, लेकिन पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हुआ होता है वो अभी. तो कोई ना कोई मैच्योरेशन का डिफरेंस इसमें रहता है, तो इसीलिए उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है. तो उसको फिर दोबारा दूसरा चीज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. तो तीसरा है, एक और चीज है इसमें, एक और अगर टर्म देखेंगे, हेटीरियो स्टाइली का क्या मतलब है? जो फ्लावर्स होते हैं, जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो उनकी जो स्टैमिनस और गाइनोशियम की जो लेंथ होती है, या स्टैमिनस या स्टाइलस की लेंथ होती है, वो डिफरेंट होती है. इसलिए वो प्रॉपरली एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हैं, तो ट्रांसफर नहीं होता है उसमें. इसीलिए उसको कहते हैं हेटीरियोस्टाइली, वेन देयर आर द डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टैमिनस एंड स्टाइलस. तो इसीलिए उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है, तभी उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है. डिफरेंट lengths of stamens and style is a part of gynoecium. जब उनका different length होगा, तो वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं, इसीलिए approximately उस पर वो नहीं गिर पाते हैं pollen grain, इसीलिए उसमें self pollination नहीं होती है, chance होता है उनके पास सिर्फ एक ही, फिर cross pollination. तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. उसके बाद हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन अगर होती है, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन लेना है, दूसरे फ्लावर पे डालना है, ये खुद नहीं जाएगा, इसको किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी. तो उनको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को भी हम दो में देख सकते हैं. अगर वो बायोटिक है, लिविंग है, तो बायोटिक है, बायोटिक एजेंट्स है. अगर नॉन लिविंग है, तो एबायोटिक एजेंट्स है. तो उसके बाद हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. जो ट्रांसफर एजेंट, सॉरी मेरे पास इंक नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर रखी है कटोरी में एक, उसमें डुबोना पड़ता है मुझे बार बार पेन, क्योंकि मार्कर नहीं लिख रहे हैं, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बाहर भी अवेलेबल नहीं है.
सबसे पहला बायोटिक, बायोटिक मीन्स इफ द पॉलिनेटिक एजेंट इज लिविंग. सेकेंड इज एबायोटिक वेन द पॉलिनेटिक एजेंट इज नॉन लिविंग. बायोटिक में अगर हम देखेंगे कौन कौन सा बायोटिक एजेंट होता है जो हमें पॉलिनेशन में मदद करता है, जैसे कि हम अगर देखेंगे बायोटिक एजेंट्स में कौन कौन सा हमें काम आएगा, इंसेक्ट्स हमें काम आ सकते हैं, बर्ड्स हमें काम आ सकते हैं, बैट्स हमें काम आ सकते हैं. एनिमल्स हमें काम आ सकते हैं. अगर इंसेक्ट्स काम आएंगे उसको क्या कहेंगे, इनकी डिफरेंट टर्म्स दी हुई है, उसको कहते हैं एंटोमोफिली. एंटोमोफिली अगर बर्ड्स आएंगे ऑर्निथोफिली, अगर बर्ड्स बैट्स आएंगे चिरोपेट्रोफिली, और अगर एनिमल्स आएंगे जूफिली. तो ये डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, बट बायोटिक है, लिविंग है. ये पोलन ग्रेन्स लेके आएंगे एक जगह से और डालेंगे स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर पे. एबायोटिक मीन्स ये सारे ये है लिविंग. एबायोटिक का मतलब है जो नॉन लिविंग होंगे, नॉन लिविंग एजेंट्स. नॉन लिविंग में सबसे पहले हमें विंड है, दूसरा हमारे पास वाटर है. इनकी भी अपनी टर्म्स हैं जिनके बेस पे. सबसे पहले विंड पॉलिनेशन, अगर विंड पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे एनिमोफिली, अगर वाटर पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली. जैसे कि एनिमो, एनिमोफिली, और अगर वाटर है इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली. ये डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है. विंड भी हो सकता है जिसको हम एनिमोफिली कहेंगे, वाटर भी हो सकता है जिसको हम हाइड्रोफिली कहेंगे. ये एबायोटिक में आते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं. तो इसी तरह से अब हमें एक एक एजेंट को लेना है कि इंसेक्ट पॉलिनेटर जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन कौन से एडॉप्टेशन होती है, बर्ड पॉलिनेटर जो फ्लावर्स हैं उनमें कौन कौन सी एडॉप्टेशन होती है. जैसे इसी तरह नॉन लिविंग में भी देखना है कि जो विंड पॉलिनेटर फ्लावर्स हैं उनमें कौन कौन से एडॉप्टेशन है, वाटर पॉलिनेटर उसमें कौन कौन सी एडॉप्टेशन है. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में. थैंक यू.